अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सलमान अनी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक बार आए हैं रेसकोर्स पार्क में, ठीक है, फैमिली से फ़नी फ़नी क्वेश्चंस करेंगे फिर, और देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है मेरे साथ से। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजी मेरे ना आज के 3 क्वेश्चन है फ़नी फ़नी, ठीक है, आपने फ़नी फ़नी आंसर देने हैं। सबसे पहले तो आपने शर्माना नहीं है और किसी भी सवाल को ना आपने ना नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती? क्या नहीं खुश होती? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती? मुझे क्या बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। भजन मेरे आज के 3 क्वेश्चन है, फ़नी फ़नी क्वेश्चन है, आपने फ़नी फ़नी आंसर देने हैं। खामोश तो बिल्कुल नहीं रहना, जो भी बात आपके माइंड में पहली है आपने कह देना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जाए बेशर्म हो जाए। क्या बोला तूने? मेरा पहला सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती? धूप में खुश्क नहीं होती, आप बताएं भाई। धूप में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती? धूप में खुश्क नहीं होती, ये फंस गया सी है। शराब? नहीं, शराब धूप में कैसे खुश्क होगी। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती? जो धूप में खुश्क नहीं होती। हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चले मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि वो तो बड़ा इजी सवाल है, ठीक है, वो आपको लाजमी आना चाहिए क्योंकि आप लड़की हैं। अच्छा, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगाते हुए सब्ज होती है और निकालते वक्त लाल? लिपस्टिक। लिपस्टिक इससे आप सब्ज लगाएंगे और वो बाद में लाल निकलेगी। चले मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगाते हुए सब्ज होती है और निकालते हुए लाल? ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगाते वक्त सब्ज होती है और निकालते वक्त लाल? लगाते वक्त सब्ज होती है और निकालते वक्त लाल। हाँ जी, ऐसी कौन सी चीज़ है? मेरा ना लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खींचे वो उतना छोटा हो जाती है? मैंने तीसरा सवाल मेरा और आखिरी सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खींचो वो उतना ही छोटी होती है? मेरे ख्याल से आई थिंक सिगरेट। जी जी, ये भाई ने आपके जवाब सही दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खींचे वो उतनी छोटी होती है? यार वैसे वो गुब्बारा ही है कोई। नहीं नहीं, गुब्बारा तो नहीं है। गुब्बारा तो एक जगह पर जब खींच के उसको छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। वो ऐसी बात चीज़ है जिसको आप जितना खींचोगे ना वो छोटी होती जाती है। ये भी मैं आपको कह देता हूँ, एंड में आकर ख़त्म हो जाती है। चलें, एंड में आकर ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, किसी को इतना मैंने हिंट नहीं दिया। पास हो, नेक्स्ट। गजब बेइज्जती है। ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी खींचेंगे ना वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। वो क्या है? स्प्रिंग। नहीं, स्प्रिंग तो वापिस जब छोड़ेंगे आप वापिस उतनी अपनी शेप में आ जाएगा ना, वो उसको आप जितना खींचेंगे वो उतना छोटा हो जाता है। वो क्या है? वो ऐसी कौन सी चीज़ है? चलिए मैं आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में खुश्क नहीं होती, उसका आंसर है पसीना। मैंने भी यही सोचा था। और एक मैंने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी, मेहंदी था। और जो थर्ड क्वेश्चन था मेरा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम जितना खींचे वो उतनी छोटी हो जाती है, वो है सिगरेट। उसको जितना खींचते हैं वो उतना छोटा हो जाता है। अच्छा, आपको चलें कि नाजिन भाई मैं आज ना सॉन्ग सुनाएंगे, तो चलें इनके सॉन्ग्स का ना मजा लेते हैं। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे जाने की खुशबू तेरे आने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। सदाएं सुनो जपाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी नेले बनाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।